एम रोस्टेड शिवांगिनी जारा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे आपने 15 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और एक दूसरी चीज़ यार, बहुत लोग जिन लोगों ने मेरी न्यू वीडियो देखी है पायल जोन के ऊपर, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ थोड़ी, कि पायल जोन की स्पेलिंग थोड़ी गलती हो गई थोड़ी सी। और दूसरा, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भाई तूने ऐसी कौन सी वीडियो बनाई जिसके अंदर तू कह रहा था, जी हाँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा। फाइनली मैं वापस आ गया। तो गाइस, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिनली ऐप के ऊपर, जिसको मैंने यार अपलोड नहीं करा बिल्कुल भी। सो गाइस, आज हम लोग उसको अपलोड करने वाले हैं। सो गाइस, आज ये टॉपिक होने वाला है शिवांगी निझारा के ऊपर। जैसे कि मैंने पायल जोन के ऊपर रोस्ट मारा था, अब मैं मारने वाला हूँ शिवांगी निझारा के ऊपर। सो ओके गाइस, शिवांगी निझारा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो, मतलब मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। शिवांगी निझारा, सो गाइस आपने यहाँ देख लिया है। सेकेंड, सो आपकी इनकी एक वीडियो, शिवांगी निझारा का एक चैनल है और 242 वीडियोस डाल रखी है इन लोगों, इन्होंने सब्सक्राइबर्स अबाउट। सो ओके गाइस, मैं इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है जो चैनल शुरुआत करते, तो मैं पढ़ता हूँ एक बारी। हेलो, इट इज शिवांगी निझारा फ्रॉम सहारनपुर। आई एम द स्टेट ऑफ एंड आई ब्लॉग सम मैचिंग, हाँ मैचिंग, सम मैचिंग फ्रॉम माई सेल्फ टू शेयर विद यू टू नाउ मोर अबाउट हु आई एम, सॉरी हु एम यू कैन Allo to be go and watch my videos. Thank you. इन्होंने YouTube ज्वाइन करा है Feb 26, 2021 में और इनके मतलब टोटल फुल व्यूज मिला के बनते हैं 16,286 व्यूज
ऐसी मेहनत करते रहिए आप। ओके तो इन्होंने वीडियो सॉरी मैंने वीडियोस की जगह सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ था वहां, तो इनके कम से कम सब्सक्राइबर 242 सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अच्छी बात है शिवांगी नहीं जा रहा। तो यार आपने इतने शिवांगी नहीं जा रहा यार, 2 सेकंड। सो ओके गाइस मैं आ चुका हूँ, कुछ हो गया था प्रॉब्लम टाइप। सो आपने देखा शिवांगी निजारा को, उनका चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, वेरी गुड चैनल शिवांगी निजारा। सो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, वैसे आपको नहीं, वैसे आपको लग रहा होगा कि एक दोस्त नहीं है, ये एक अच्छी वीडियो जिसके ऊपर मैं शिवांगी निजारा को प्रमोट कर रहा हूँ, मगर आप बिल्कुल गलत हो। मैं करने वाला शिवांगी निजारा का रोस्ट, ऐसी 5 उनकी गलत बातें बताने वाला हूँ जिसको आप बाद में देख के क्या पता शिवांगी निजारा को छोड़ दीजिए। तो ओके फर्स्ट बात ये, आपने मैंने अभी आपको यहाँ फोन में एक वीडियो दिखाई, ठीक है, अपनी बातें, अपनी पर्सनल बातें, अपनी प्राइवेट बातें कौन बताता आप, ये पहले ये बताइए। मतलब ऐसे रास्ते से जा रही थी, इधर रक्षे वाले भैया, इधर वो दो भाई, वो ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब ये सब बातें कौन बताता है। उस दिन मैं भी वहाँ गली में गिर गया था, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बताया अपनी फर्स्ट केवी गेमिंग सेंटर की वीडियो में। सो ओके गाइस ये हो गए इनकी पहली बात कि ये अपनी पर्सनल बातें हमसे शेयर करती है जिससे इनके व्यूज बढ़े और लोगों को और भी मजा आए। यार यार पहले यार इसको बंद करो, कोई गैस को भैं करे जा रही है मेरी वीडियो में। दूसरी चीज ये है कि कहीं पे भी कोई भी जाए मगर आपको वो चीज नहीं बतानी चाहिए। अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने बताया मैं रास्ते से ही जा रही थी, यहाँ मैं घर में मेरा वहां आने वाला था और आई रियलाइज कि वो दो भाई ऐसे फेंक रहे हैं, मैं डर गई वाला। तो इसका आपको कोई मीनिंग बनता क्या है, या तो आप कोई ऐसी चीज करके दिखाएं, मतलब या तो आप कोई ऐसी चीज बोले जिससे लोगों को लगे भी हाँ भाई बंदी सच बोल रही है, आप बिल्कुल ऐसी मतलब को मत करो कोई। रुक जाओ यार, आ वीडियो ही खराब टाइम पे बनी है। एक बार ही मैंने दब बनाई जब स्विच हो गया था फोन। हाँ सो मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग अपनी मतलब लोकेशन खुद भी बता देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बगैर मैं इनके बारे में बुरा बोल रहा हूँ, मगर जैसे मेरी फैमिली है, अब मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा एक ही साथ देता है साथ है, वो है मेरी नानी मतलब मेरी ग्रैंड मदर, और जैसे केवी गेमिंग सेंटर, पायल जोन, ये शिवांगी निजारा, तो इन सबके चैनल में इनकी फुल फैमिली सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मैं खासकर शिवांगी निजारा आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी फैमिली को या ज़्यादातर अपने साइड में रखिए खासकर, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये कोई फैमिली चैनल नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ अपने अकेले के व्लॉग्स बनाने चाहिए या कि आपको ये दिखाना चाहिए गाइस ये देखो आज मेरी क्या बोलूँ मैं, हाँ तो भाई आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, सो सब ये मान लो जैसे शिवांगी निजारा का कैमरा है, वैसा वो फ़ोन से ज़्यादा व्लॉग्स बनाती है मेरे पड़ोस में ये नीचे। तो गाइस ये देखिए जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे हेलो करो हेलो, तो ये मेरे कुछ नेबर्स हैं और ये रिश्तेदार हैं, आंटी नमस्ते। मतलब ऐसे नाटक करने का आपको कोई मतलब नहीं बनता, आप हमें आपकी शक्ल से पहले ही पता चल जाता है कि आप व्यूज लेने के लिए ये सब बताती हैं। चौथी चीज़ ये है, कभी भी मान लो जैसे तुम शिवांगी निजारा के पास आ गए, ओके, तो अब मान लो उन्होंने एक बारी, आपने मुझे देखा भी होगा एक व्लॉग में, रुको मैं जरा आपको दिखाता हूँ, दिवाली व्लॉग है वो 2021 का, 2021 शिवांगी निजारा दिवाली व्लॉग फुल, मुझे ज्यादातर वैसे इंग्लिश आती नहीं है। हाँ ओके मुझे ज्यादातर व्लॉग्स पसंद नहीं है वैसे इनके, मगर मैं आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ। मैं उससे शाम को निकला था बाहर, मुझे याद है मैंने कोट पैंट पहन रखा था सूती वाला, मतलब जैसे वो हो गया ना व्हाइट व्हाइट कलर की टी शर्ट और
यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप पूरा ब्लॉग देखिए। ये आ रहा हूँ मैं कोट पैंट में, आप यहाँ से देखना। ये व्हाइट वाला हाथ मेरा है। वो कोट पैंट में मैं हूँ। ये मैं आ चुका हूँ। सो गाइस, ये तो मैं मानता हूँ उन्होंने मुझे अपने ब्लॉग में लिया, ठीक है, मगर आपने ध्यान से अगर बिल्कुल नोटिस करी होगी बात, जैसे मैंने बोला सो हे गाइस मेरे चैनल NO7 व्लॉग को सब्सक्राइब करो, उसके बाद एकदम तब जाके वीडियो शुरू हुई। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अगर आपको भरोसा ना हो। हाँ, हो गया आप फिर से देखो। तो मैं बिल्कुल उस पिंक कलर के कपड़ों में लड़की के पीछे खड़ा था, मगर मैं उसके साइड में आया कैसे ये मुझे नहीं समझ में आया। और उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। उस पिंक वाली कमरे के नीचे जब मैं हंसता हूँ पीछे जाता तो मेरी फ्रेंड ने बुलाया था, ना कि मैं उसके साइड में से निकल के वापस आया था, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी, ये वीडियो को स्टॉप कर लेती है, स्टॉप करने के बाद फिर से शुरू करती है, ठीक है। पांचवी सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है अपने पेरेंट्स का और अपनी हर एक चीज को दिखाने का, और मतलब इनके सामने जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे ब्लॉगर गेमर रहते हैं, जैसे केवी गेमिंग सेंटर, एएस गेमिंग सेंटर, तुषार पर ब्लॉग्स, शिवांगिनी जारा, NO7 ब्लॉग्स, ये सब रहते हैं अभी। और मुझे किसी चैनल और मुझे अभी किसी का नहीं पता किस किस का चैनल यहाँ बना हुआ है। वैसे यहाँ हमारे पीछे वाली साइड पे भी गेमिंग चैनल है किसी का, पता नहीं। सो यहाँ हुआ क्या, या अभी कंजकर को दिखाता हूँ मैं आपको। नानी, जिसके अंदर आंटियां वो व्रत लगती हैं, तो उस वाले त्योहार को क्या कहते हैं जब रात को चांद निकलता है? नहीं, हाँ करवा चौथ, शिवांगी निजारा फुल करवा चौथ ब्लॉग। ओके, ये आ चुका है इनका ब्लॉग। शाम को मैं भी था उस ब्लॉग में, नहीं मगर मुझे ने लिया नहीं। क्यों नहीं हो रही आप लोगों को? सॉरी, मैंने ये वाला पार्ट दिखा दिया बिकॉज पता नहीं मुझे भाई कहाँ वाला वो मेरा शाम वाला। हाँ शायद ये वाला पार्ट है। आप ठीक हो जब तो ये
आर यू सीरियस? मिल नहीं रहा, पता नहीं। पता नहीं गलतफहमी नहीं हुई है भाई मुझे, मगर मुझे पक्का याद है करवा चौथ वाले दिन पे। मैं आपको पूरा फुटेज नहीं पसंद बता, फुटेज नहीं है मेरे पास, मगर मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ पहले। मैं यही हूँ नानी, ठीक है? बड़ा बड़ा भी मैं आपको जरा चल के दिखाता हूँ। सो ओके गाइस, हुआ क्या करवा चौथ वाले दिन पे सारी आंटियाँ हमारे नीचे वाले बाउंड्री में थी। रुको मैं जरा आपको चल के भी दिखाता हूँ। सो गाइस, करवा चौथ वाले दिन पे यहाँ सारी आंटियाँ थी, ठीक है? यहाँ मेरी मम्मी की स्कूटी खड़ी थी। सो उसी भी दिन पे शिवांगिनी जारा यहाँ आके बैठी, उन्होंने ऐसे अपना फ़ोन पकड़ा और वो वीडियो बनाने लगी। तब मुझे भी याद आया, अरे हाँ तो त्यौहार है, मुझे भी अपना व्लॉग बनाना है। मैं ऊपर से फ़ोन लेके आया, ठीक है? तो एक मैं ऐसे मतलब एक सीन टाइप करके दिखाता हूँ। तो मैं ऊपर खड़े होकर मैंने यहाँ से व्लॉगिंग शुरू करी और उसके बाद मैं यहाँ से ऐसे नीचे उतर के मैं आपको यहाँ थोड़ा ऐसे दिखाने लगा, मानो जैसे यहाँ आंटियाँ बैठी हूँ बहुत सारी। सो मैं यहाँ नीचे गया, मैं नीचे जैसे ही गया शिवांगी निजारा ने मेरी मम्मी की स्कूटी पर बैठ के मुझको देखा और उसी टाइम उन्होंने अपने फ़ोन में कुछ ऐसे मतलब पता नहीं हाथ हूथ लगाया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ ऐसे देखो, मैं यहाँ साइडों में से ऐसे दिखाने लग गया, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये फला ढिमकाना, ये मुझे ऐसे कोई पल्ले नहीं है मुझे ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। यहाँ सारी आंटियाँ बैठी थी, शिवांगी निजारा मेरी मम्मी की बाइक पे मतलब स्कूटी पे बैठी थी, यहाँ दो लड़कियाँ सॉरी मतलब दो आंट, यहाँ ये बाहर निकल गई, टिप्सी अंदर चल। हाँ सो इस वाली स्कूटी पे दो दीदी थी और ये वाली बाइक खड़ी थी बाहर, ठीक है? सारी आंटियाँ यहाँ बैठी थी, यहाँ एक चटाई बिछा रखी थी मतलब जैसे कपड़ा हो गया, चद्दर हो गई, तो यहाँ आंटियों ने वो बिछा रखी थी। तो आंटी उसके ऊपर बैठी थी और एक आंटी कुर्सी पे बैठी हुई सारी आंटियों को एक स्टोरी सुनानी थी। शिवांगिनी जारा मेरी मम्मी की स्कूटी पे, मानो जैसे वो मेरी मम्मी की स्कूटी है, तो शिवांगिनी जारा उस पर बैठी हुई थी। उसके बाद मैं ऊपर से अपना फ़ोन लेके आया, मैं वहाँ व्लॉगिंग शुरू करी। सो हे गाइस कि आज करवा चौथ है, हैप्पी करवा चौथ, ऐसे कह के मैं नीचे आया और मैं ऐसे दिखाने लग गया, देखो गाइस ये यहाँ आंटी है और ये वो वाली आंटी है, वो ऐसे स्टोरीज दिखा रही है फला ढिमकाना, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, ठीक है? सो शिवांगिनी जारा ने अपने फ़ोन में मतलब कुछ ऐसे मतलब पुण्य कुछ नहीं पता, मगर उन्होंने ऐसे करके कुछ दबाया। उसके बाद जब मैंने उनका व्लॉग देखा तो मैं वहाँ नहीं मिला, यहाँ सारी आंटियाँ भी ली, यहाँ सारा कुछ मिला, यहाँ कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि शिवांगी नहीं जा रहा तक के फ्रेंड्स नहीं मिले। और मैं आपको खुद ही केवी गेमिंग सेंटर से कभी ना कभी अगर वो मिले मुझे तो मैं खुद मंगवाऊँगा। और गाइस मैं आपको फुल सीन भी बता देता हूँ। सो उस टाइम के समय पे यहाँ केवी गेमिंग सेंटर, यहाँ मेरे फ्रेंड्स खड़े थे, तो करवा चौथ वाले दिन पे वो भी अंदर थे, तो मैं भी अंदर था। मैं फ़ोन लेके यहाँ आया, मैंने व्लॉगिंग करी, ठीक है? शिवांगी ने जाना मेरी मम्मी की स्कूटी पे बैठी थी, वो व्लॉगिंग कर रही थी अपनी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर मैं यहाँ ऐसे बाहर आया, मैंने केवी गेमिंग सेंटर को दिखाया, मैंने हाई भी करवाया, मगर वो वाला व्लॉग मैंने डाला नहीं क्योंकि वो अच्छा नहीं बना था, ठीक है? तो हम लोग यहाँ बाहर आए, उसके बाद सारी आंटियाँ इस बड़े वाले गेट से बाहर निकली जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। उसके बाद ये आंटियों ने पता नहीं मटके, तू शिट मैन चल अंदर तू, चल अंदर, कोई व्लॉगिंग नहीं करने देगा मुझे चैन से। हाँ ये आ गई भाई, ये नीचे भाग गई थी। नानी गेट बंद ही कर लेते, गाइस एक सेकंड। सो ठीक है, तो आगे का सीन बताता हूँ। यहाँ से आंटी ने गेट खोला, यहाँ से सारी आंटियाँ कुछ आंटियाँ बाहर निकली, ठीक है? आंटियों ने गेट वहाँ से बंद करा, अरे यार हाँ। तो यहाँ से आंटियाँ सीधा मतलब यहाँ से तीन आंटियाँ उधर गई, ये देखो ये जाए ये जाली वाला गेट है, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी, वहाँ गई।
कुछ आंटियाँ ब्लैक वाली गेट से चली गई हैं, ठीक है। सो यहाँ कुछ आंटियाँ तीन मतलब पता नहीं डोंगे में से क्या था, मटके में छोटे से लोहे वाले, उसमें से पानी था तो वो नीचे फेंक दी थी। तो मैंने केवी गेमिंग सेंटर से पूछा भी कि ये क्या होता है मतलब, तो मुझे उस चीज़ का मतलब नहीं पता। तो केवी गेमिंग सेंटर ने बताया था उस टाइम शिवांगी निजार मेरी मम्मी की स्कूटी पे बैठी थी, उन्होंने अपने फ़ोन में कुछ दबाया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, वो अपना फ़ोन लेके ऐसे बाहर आई, पता नहीं वो ऐसी कुछ बोल रही थी और चलते चलते वो चली गई अपने घर पे, ठीक है। सो उसके बाद मुझको कोई सी नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर मैं इतना बता सकता हूँ कि जो जो मैंने वहाँ देखा मतलब उस चीज़ से मैं पक्का दावा करता हूँ कि शिवांगी निजारा अपनी वीडियोस में किसी भी व्लॉगर या फिर सॉरी गाइस वो थोड़ी वीडियो बंद हो गई थी तो इससे मुझे वापस ऑन करनी पड़ी, मैं एडिटिंग में फिर से छोड़ दूंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इससे मैं पक्का दावा करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको पूरा सीन बताया, कभी ना कभी मैं अपनी वीडियो में मतलब केवी गेमिंग सेंटर से भी मिलवाऊंगा आपको, क्या पता मैं अभी भी मिलवा लूँ, मगर शायद क्या पता वो आराम कर रहे हो, क्योंकि ऐसे दोपहर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। तो मैंने आपको पूरा सीन बताया, करवा चौथ वाले दिन पे सारी आंटियाँ बैठी थी, मेरी साइकिल के साइड में मेरी मम्मी की स्कूटी भी खड़ी थी, ठीक है, और यहाँ एक कुर्सी लग के और वहाँ एक आंटी बैठी थी जो मतलब स्टोरी सुनाई थी कुछ कि वो उसके बाद वो आंटी जो थी मतलब ऐसे करके फला ढिमकाना, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ऊपर से दो लड़के मतलब ऊपर से एक भैया आए थे, मतलब सॉरी एक या दो भैया आए थे, मैं उधर से निकला था शिवांगी निजार अपने घर से केवी गेमिंग सेंटर, और मेरे फ्रेंड्स यहाँ अंदर ये जहाँ लकड़ी खड़ी है उस टाइम भी लकड़ी वहाँ नहीं थी, तो ये लोग ऐसे खड़े थे लाइन से दीवार से सट के, ठीक है। शिवांगी निजारा यहाँ बैठी थी, ठीक है, वो व्लॉगिंग कर रही थी, ओके। तो व्लॉगिंग करते करते मैं नीचे उतर के आया, ठीक है, तो मैंने धीरे से बोला कि गाइस आज करवा चौथ का दिन है तो आंटियाँ वहाँ स्टोरी सुनाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपको सीन्स दिखाऊँगा या क्या क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मुझको देखा तो मैं उनके सामने से ऐसे चला गया, जस्ट अपोज जैसे यहाँ स्कूटी खड़ी है उसके ऊपर शिवांगी जा रहा बैठी है, तो मैं जस्ट अपोज उनके सामने से ऐसे गया बाहर का व्यू दिखवाने के लिए, मानो जैसे बाहर का व्यू है, बाहर बहुत सारे लड़के हैं मतलब ऐसे, मैंने जस्ट मेरे फ्रेंड्स खड़े हों, ठीक है, तो मैं बाहर अपोज मतलब फ्रेंड्स को दिखाने गया, मैं हेलो करवाने गया। उन्होंने मुझको देखा, फ़ोन में उन्होंने कुछ दबाया, उसके बाद वो व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी उन लोगों ने, मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मगर मैं बस मतलब आप जस्ट रियलाइज़ करो कि एक स्कूटी में बैठे हुए कोई भी इंसान हो मतलब कोई भी प्राणी हो और मैं उसके सामने से जस्ट अपोजिट निकलूं और उसने अपने फ़ोन में कुछ करा और तब उसने बोलना शुरू करा, ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज टाइप है, बिकॉज जब मैं खिड़की में से देख रहा था तब वो कुछ नहीं कर रही थी, वो बस फ़ोन लेके ऐसे बैठी हुई थी, जैसे ही मैं नीचे उतर के आया तब उन्होंने बोलना शुरू करा, मैं जस्ट अपोजिट उनके साथ मैं मतलब जस्ट अपोजिट मम्मी यहाँ मेरी स्कूटी खड़ी थी मम्मी की, मैं जस्ट अपोजिट ऐसे करके उनके सामने से गया, मगर उन्होंने कोई रियलाइज़ नहीं मतलब उन्होंने कोई मुझे वो नहीं दिखाया ज़्यादा, मतलब उन्होंने कुछ मुझे ज़्यादातर वो नहीं दिखाया एक्ट, जैसे मतलब मान लो तो जैसे हाई कर देते हैं हाई वे फला ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट किया, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे लगा वो अपनी व्लॉगिंग कर रही है मैं अपनी व्लॉगिंग कर लेता हूँ। मैं बाहर अपने फ्रेंड्स को दिखवाने गया, मैं अंदर आया तो वो बोल रही थी, एंड आई वेरी स्ट्रेंज मतलब यार ऐसे कोई नहीं बोल सकता। तो अब हम लोग ऊपर चलेंगे, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, ठीक है, सो भाई अच्छी तरीके से देखना। पानी पीते सबसे पहले भाई, नीचे खड़े होके डिहाइड्रेट पता नहीं। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था उनसे कुछ कि वो मुझे हाय हेलो या कोई मतलब मूवमेंट दिखाएंगी कि जैसे कि वो मुझे देख रही हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी वीडियो ऐसे बना रही थी, वो सिर्फ आगे देख रही थी, उन्होंने मेरे पे कोई वो डम वो नहीं करा,
मैंने कहा चलो भाई वो अपनी वीडियो बनाए, मैं क्यों उनको देखूं, मैं अपनी वीडियो बना लेता हूँ। मैं अपनी वीडियो बना के जैसे ही अंदर आया, वो बोलना शुरू करी मुझको देख के, तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। सो यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, अभी मैंने जस्ट अपनी पहली बार वीडियो देखी, 24 मिनट्स की वीडियो होने वाली, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सो ओके गाइस, आपको ये 5 बातें अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आई होंगी क्यों शिवांगी ने जा रहा अपनी वीडियोस में क्यों इतना, मतलब क्या बोलूँ मैं, शिवांगी ने जा रहा अपनी फैमिली का आप खास कर इतना फ़ायदा उठा रही है, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो चिल्ड्रन थिएटर वेबमैन, और अगर आपको ये अच्छी वीडियो लगी हो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार शेयर तो पक्का कर लेना यार, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सो ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।